तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे हाथ में ये जो पंखा है, इसकी जो सापट की जो सीट है बैरिंग की, वो बहुत ज़्यादा कट गई है। इसके ऊपर हमने ये पंच लगा दिया था, लेकिन पंच लगाने के बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों स्टैंपिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा निशान आया हुआ है। देख सकते हैं, बहुत बुरी तरह से यहाँ पर निशान आया हुआ है। दोस्तों, इस सापट को हम दोस्तों आज चेंज करने वाले हैं, बदलने वाले हैं, नई सापट यहाँ पर लगाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम किसी भी प्रेस का, किसी हाइड्रोलिक प्रेस का या किसी भी हैंड प्रेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। सिंपल इसको हम हाथ से ही इसको चेंज करेंगे और बदलेंगे। इसके अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि सिंपल आपकी इसकी जो लीडें हैं, इसको आपको यहां से ऐसे कट कर लेना होगा, क्योंकि हमारे दोस्तों इस मोटर की जो वाइंडिंग है वो अभी तक ठीक है। इसका जो पेपर वगैरह है वो हीट नहीं हो रखे हैं, वो गर्म नहीं है, जिसकी वजह से झड़ रहे हों। तो आपको उसकी लीडों को सबसे पहले इस तरह से निकाल लेना है, और ऊपर की जो बैरिंग अगर फंसी हुई है तो उसको भी आपको निकाल करके बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद भी दोस्तों आपको क्या करना है, देख लीजिए इस तरह से। ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है, क्योंकि पीछे की तरफ से ये सापट ठोकी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इस प्रकार से एक पाइप लेंगे जो कि हमारे इस सापट के अंदर आराम से चला जाए। ठीक है, अंदर अगर चला जाएगा तभी हमारा ये निकलेगा, अन्यथा बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों इसको हमें इस तरह से उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर चोट मारना है। तो दोस्तों चोट मारने के लिए आप दूसरा भी स्टेप, मतलब दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे मिक्सी के अंदर बूस्ट ठोकने वाला पाइप होता है, उसको आपको लेकर के उसके ऊपर रख करके बड़े हथौड़ी से दो तीन चोटें मारेंगे तो भी ये बड़े आराम से निकल जाता है। देख सकते हैं, हम यहाँ पे दो चार चोटें मारते हैं तो आराम से ये निकल जाता है, और बिल्कुल सीधा सीधा आपको मारना होता है। टेढ़ा करेंगे तो स्टैंपिंग का जो सुराग है वो टेढ़ा हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है। देख लीजिए, कहीं से भी हमारा कोई बाइंडिंग वगैरह ख़राब नहीं हो, कहीं पे चोट नहीं लगनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो सापट है, सेम टू सेम साइज़ का आपको मार्केट से लेकर के आना है। दोस्तों फैन की जो सापट है, हम खरीद करके ले आए हैं मार्केट से, देख सकते हैं सेम टू सेम साइज़ का। थोड़ा सा ऊपर नीचे है आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि हम थोड़ा सा वार्सल लगा देंगे, तो वार्सल लगाने के बाद में क्या होगा कि ये उसके बराबर में आ जाएगा। चलिए दोस्तों इसको कैसे ठोक सकते हैं बिना हैंड प्रेस के या बिना किसी हाइड्रोलिक प्रेस के, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि आपको अपने स्टैंपिंग को इस प्रकार से रख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है, बल्कि इसको आपको उल्टा करके रखना है इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ पे रखते समय आपका ये जो कि दोस्तों प्लास्टिक इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको आपको काटना पड़ेगा, यानी कि कनेक्शन आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको ठोक पाएंगे। दोस्तों इसको हम इस तरह से कट करके बाहर निकाल लेंगे ताकि ये दिक्कत ना दे, क्योंकि कनेक्शन तो इसके अंदर हमें दूसरा लगाना ही है। यहाँ पे इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, बाहर निकालने के बाद इसको रख लेंगे हम इस प्रकार से उल्टा। उल्टा रखने के बाद दोस्तों जो नया सापट है हमारा, उसको सिंपली इसके अंदर ऐसे रख करके इसके ऊपर हम हथौड़ी से थोड़ी चोट मारेंगे, लेकिन हथौड़ी के नीचे डायरेक्ट इसके ऊपर चोट नहीं मारना है आपको। तो एक लकड़ी वगैरह कोई ले लेना है, जैसे देख सकते हैं मेरे पास कोई लकड़ी नहीं बल्कि ये हथौड़ी है, इसके हथौड़ी को ही हम यहाँ पे रख करके इस तरह से हल्का हल्का मार देंगे और ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये जो हमारी सापट है पूरी तरह से ठुक गई है, देखिए अंदर तक ठुक गई है। चलिए दोस्तों इसको अब हम फिट कर लेते हैं मोटर के अंदर और देखते हैं कि क्या अब सेटिंग वगैरह सही से आ रही है या नहीं। दोस्तों इसी सापट को ठोकने के लिए दुकानदार हमसे 30 रुपये मांग रहा था। अब देखिए छोटी सी हथौड़ी लेकर के हमने इसको अपना काम कर लिया, 30 रुपये हमने बचा लिए। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी सापट ठोकने की? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख सकते हैं और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।